नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेक ही दोस्त। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले कुछ क्रिप्टो अपडेट्स को लेकर, तो देर नहीं करते शुरुआत करते हैं अपने पहले अपडेट से। दोस्तों हमारा पहला अपडेट है मिस्टर डैन मोरहेड की तरफ से, जो कि यहाँ पर सीईओ है क्रिप्टो करेंसी हेज फंड पेंट्रा कैपिटल के। अभी दोस्तों इनका यहाँ पर कहना है कि फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज में एंट्री लेने का, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है अराउंड 65% डाउन जा चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। अभी दोस्तों ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मार्केट गई थी 835 बिलियन डॉलर तक गई थी, और अभी यहाँ पर चल रही है अराउंड 350 बिलियन डॉलर तक। तो आप अपनी खुद की भी एक मैथ यहाँ पर कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि जब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पर एक बहुत सही टाइम निकल कर आता है क्रिप्टो करेंसीज में एंट्री करने का। आंख बंद करके भी आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे तो अगले ही साल आपको, एक साल बाद आपको 239% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर इनका कहना है। और उनकी जो एनालिसिस है अराउंड 6 साल में 5 बार सही जा चुकी है। और उनका यहाँ पर यह भी कहना है कि ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एंट्री करना बिल्कुल सही टाइम होगा क्रिप्टो करेंसीज में। और दोस्तों अगला यहाँ पर जो पॉइंट है वो निकल कर आया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लेकर। दोस्तों ये नाम तो बेसिकली मैं लेना चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से बातें सुनने को मिल रही हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंट्री करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। खैर यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी डेट पर लोग अचानक से एंट्री करेंगे और यहाँ पर जो मार्केट है अचानक से जम करेगी, और यहाँ पर फिलहाल लोग वेट कर रहे हैं SEC की कुछ बातों के लेकर कि यहाँ पर किस तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं। खैर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या निकल कर आता है और कब तक यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं इस मार्केट के अंदर। बकाया दोस्तों जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको यहाँ पर रेगुलर देते रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पर भी आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है मॉन्स्टर को लेकर, और जो कंपनी है 1978 से चली आ रही है, ये लोग डील करते रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर, जैसे कि हेडफोन्स हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह हो गई। और दोस्तों फिलहाल ये लोग प्लान कर रहे हैं अपना खुद का एक ICO अराउंड 300 मिलियन डॉलर का। अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट होता है ये। और दोस्तों आने वाले टाइम के लिए ये लोग 3 स्टेजेस प्लान कर रहे हैं। पहले तो ये लोग इनका जो डेवलपमेंट होगा वो होगा ERC-20 प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद ये लोग अपना स्पीड वगैरह मेंटेन करने के लिए, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह मेंटेन करने के लिए कुछ अपने स्टेप वगैरह लेंगे, और फाइनली अपनी जो खुद की ब्लॉकचेन है उसको भी लेकर लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पर आने वाले टाइम पर क्या क्या होता है मॉन्स्टर के साथ। दोस्तों कंपनी की बात करें तो एक्चुअल में देखा है तो काफ़ी टाइम से, कई सालों से यहाँ पर कुछ घाटे में चल रही थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोग रेज कर रहे हैं ICO, तो देखते हैं काफ़ी सारे फंड इकट्ठा हो जाएंगे। फिर लोग किस तरह से प्लान करते हैं आगे वो देखने वाली बात होगी। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है इंडिया को लेकर, और यहाँ पर एक स्कैम सामने आया। बेसिकली आपने दोस्तों नाम तो सुना ही होगा BitConnect का, यहाँ पर भी कुछ लोग थे जो उसको प्रमोट कर रहे थे। बेसिकली 3 नाम यहाँ पर निकल कर सामने आए, दियाज दर्जी हो गया, सतीश कंबानी हो गया, धवल मवानी हो गया। तो ये नाम यहाँ पर निकल कर सामने आए, और ये लोग काफ़ी हाई रिटर्न ऑफर कर रहे थे कि आपको इतना रिटर्न आपको देखने को मिल ही जाएगा, आपको पर डे के हिसाब से भी 1.1% समथिंग कुछ रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह की स्कीम सामने आए तो एक चीज़ बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि अगर आपको जितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है मार्केट के ऊपर, उतना ही बड़ा रिस्क होता है उसको नीचे डाउन जाने का भी। मतलब मार्केट में करेक्शन चलता रहता है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो जो डेफिनेट प्रॉफिट वाली बात होती है यहाँ पर आप समझ जाइए कि भाई यहाँ पर पंगा कुछ होने वाला है। बकाया दोस्तों एक साइट है हॉबी कॉइंस करके, जो कि बनाई गई थी SEC की तरफ से, उस पर भी हमने यहाँ पर सेपरेट वीडियो दिया था, उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देखिएगा। हॉबी कॉइंस की अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, पूरी यहाँ पर काफी तरीके से बनाई गई है साइट है। लेकिन मैं एक बार क्लियर कर दूँ कि पूरी साइट यहाँ पर स्कैम है, और यहाँ पर बनाई ही इसीलिए गई ताकि आप यहाँ पर समझ सकें कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट निकल कर आते हैं और वो क्यों स्कैम है। और अगर आप यहाँ पर किसी लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो सीधे जाएंगे SEC के पेज में, जहाँ पर साफ साफ दिखा दिया जाएगा कि भाई साइट स्कैम है, और यहाँ पर आप स्टडी कर लीजिए किस किस पॉइंट को लेकर स्कैम है। तो एक बार उसको देखिएगा जरूर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है बैनेंस को लेकर, इनका जो खुद का टोकन है BNB उसको लेकर काफी अच्छी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। फिलहाल ये लोग अपना एक एस्टेब्लिश करेंगे एक फंड कुछ 1 बिलियन डॉलर का। दोस्तों साथ ही लोग सेलेक्ट करेंगे कुछ 20 पार्टनर्स भी, जिनका यहाँ पर काम होगा सलाह वगैरह देने का। और दोस्तों इस फंड्स का यूज करते हुए एक तरफ तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे LPs का, और दोस्तों दूसरी तरफ ये लोग जो सिक्योरिटी वगैरह हो गया, जो दूसरे टूल्स वगैरह हो गए उस पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दोस्तों एक मजे की बात है कि ऑलरेडी ये लोग कुछ 4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर चुके हैं, और आने वाले टाइम पर कुछ और भी कंपनीज वगैरह चुनेंगे। अब दोस्तों BNB की बात करें तो अपने आप में काफ़ी पोटेंशियल कॉइन है, क्योंकि आने वाले टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें भी बैलेंस के साथ ही लगी हुई हैं। अभी लोग अपना डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी लेकर आएंगे तो उस जगह पर भी आपको काफ़ी अच्छी हाइक देखने को मिलेगी। जब भी दोस्तों यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बड़ा आपको हाइक देखने को मिलेगी BNB टोकन के ऊपर। और साथ ही दोस्तों ये लोग अपने टोकन्स वगैरह भी बर्न करते रहते हैं, तो उस जगह पर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर बैलेंस यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग को लेकर, तो दोस्तों उस जगह पर भी आपको ट्रेडिंग पर भी, फीस पर भी काफ़ी ज़्यादा फायदे वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर रेफर भी कर रहे हैं तो उस जगह पर भी आपको फायदे देखने को मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पर BNB इनका टोकन यूज करते हैं तो।
खैर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं बैनेंस को, तो हमारे जो रेफरल लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ पर चेक कर पाएंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आने वाले टाइम पर प्लान कर रहे हैं कि जल्दी आपको यहाँ पर एक वीडियो दें बीएनबी टोकन के ऊपर भी, सो दैट आप यहाँ पर पूरा जो इनका कॉन्सेप्ट है उसको भी आप यहाँ पर समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर काफी पोटेंशियल कॉइन है अपने आप में बीएनबी भी। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है क्रिप्टो क्रिप्स की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर सामने आए हैं। फिलहाल आपने एक नाम सुन रखा होगा एयरबीएनबी का, ये लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी रेंटल की। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता क्रिप्टो करेंसीज वगैरह का, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो क्रिप्टो क्रिप्स है यहाँ पर आपको एक पूरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा क्रिप्टो करेंसीज का। इवन यहाँ पर बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, और अनदर टाइम पर आपको मोनेरा वगैरह की भी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी रेंटल वगैरह का काम है आप यहाँ पर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज का यूज करते हुए भी। और साथ ही यहाँ पर जो दूसरी भी सर्विसेज जुड़ी हुई हैं ट्रेवल वगैरह को लेकर, यहाँ पर भी आपको क्रिप्टो करेंसीज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा क्रिप्टो क्रिप्स के अंदर। तो एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट और प्लेटफॉर्म लेकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं क्रिप्टो क्रिप्स वाले। अब देखते हैं एनुअल टाइम पर कैसा क्या लोग कर जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अभी का पूरा अपडेट, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको कर लीजिएगा लाइक, साथ ही इसको कर दीजिए शेयर भी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब भी, क्योंकि इस तरह के जो अपडेट्स हम आपके लेकर आते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।